काबरा, दिखा दीना, दिखा देना अपनी औकात। चीट किया तूने मुझे, मालूम है ऐसी घिनौनी हरकत को क्या बोलते हैं? मालूम है? जानता हूं, हिंदी में इसे जैसे को तैसा, गुजराती में जेमनो तेम और अंग्रेजी में इसे टिट फॉर टैट कहते। कोबरा, तुमने मुझे मधु का नौकर बना के रख दिया है। ये तो तुम्हारा छोटा सा कर्ज था मुझ पर चंदन मित्रा। भूल गए उस कोर्ट केस में तुमने मेरी क्या हालत बनाकर रख दी थी? पूरी दुनिया के सामने मुझे विलन बनाकर रख छोड़ा था। तुम्हारा वही कर्ज मैं तुम्हें लौटा रहा हूं चंदन मित्रा। कर्ज तो मैं तुम्हें लौटाऊंगा काबरा। मैं अभी जाके मधु को सब कुछ सच सच बता दूंगा और वो मान जाएगी। कहीं ऐसा ना हो चंदन मित्रा कि सच बताने के चक्कर में तुम अपनी इस झूठी नौकरी से हाथ धो बैठो, क्योंकि तुम जब मधु को सच बताओगे तो मेरे पास जरूर आएगी। और जब मैं उसे यह बताऊंगा कि चंदन मित्रा किस किस्म का आदमी है तो मेरी बात को ज्यादा तवज्जो देगी। आखिर मैं उसका मौसा हूं चंदन मित्रा। और फिर जब किसी औरत का एक मर्द से भरोसा उठ जाता है ना, तो दोबारा आसानी से उस पर वो भरोसा नहीं करती। अब मेरी अक्लमंदी के कारण कहो या तुम्हारी बेवकूफी के कारण कहो, मधु का भरोसा तुम पर से एक बार तो उठ चुका है। काबरा, तुमने ऐसा किया क्यों? तुम्हें ये बताने के लिए कि इस दुनिया के सबसे कमीने और चालाक इंसान तुम ही नहीं हो, ऊपर वाले ने सबके बाप पैदा किए हैं। अब तुम देखना काबरा, मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। बस तुम देखना, कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे चंदन मित्रा, न मेरे साथ न मधु के साथ। अपनी भलाई चाहते हो ना, तो चीफ एडिटर बनके प्रूफ रीडर की पोजीशन में उस कैबिन में पड़े रहो और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो कि अब तक इतनी सुख सुविधाएं उसने दे रखी हैं। अन्ना लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि मुझसे दुश्मनी लेकर उनके हिस्से में सिर्फ दो ही चीजें आती है, ऊपर खुला आसमान और नीचे पथरीली जमीन। काबरा, अरे जाओ चंदन मित्रा जाओ, तुम्हारे हिस्से में सिर्फ दो ही चीजें हैं, चीफ एडिटर की नौकरी और सुइसाइड। सर, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के इनविटेशन कार्ड थे। ओके, मेरी लिस्ट भी तैयार है, ये लो और कुरियर से भेज देना। ओके, यस सर। और सुनो, इसमें एक नाम ऐड कर देना, श्रीमती आरती सहाय। ओके।